सब अच्छा स्थान चाहते हैं, सब अच्छा मकान चाहते हैं, सब अच्छा रहन सहन भी चाहते हैं। अब सबको अच्छा मकान चाहिए, रहने के लिए एक जगह चाहिए और रहन सहन भी चाहिए। सब अच्छा भोजन चाहते हैं, सब अच्छे वस्त्र चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा सम्मान भी चाहते हैं, सब अच्छा जीवन भी चाहते हैं। तुमने सोचा है अच्छा क्या है? अच्छा स्थान बाजार में नहीं है, बगीचे में भी नहीं, नगर में भी नहीं, लेकिन अच्छा स्थान तो वहाँ है जहाँ लोग अच्छे हैं, और वह अच्छा स्थान है, भले वह छोटा गांव ही क्यों ना हो। अच्छा मकान, कोठी, बंगला, पक्का मकान नहीं, जो साफ सुथरा हो और हवा भी रोशनीदार हो, ऐसा मकान ही हमें अच्छा लगना चाहिए, भले वह झोपड़े ही क्यों ना हो। अच्छा रहन सहन, तड़क भड़क का नहीं, ठाठ बाट का नहीं, सादा और पवित्र जीवन हमारे लिए अच्छा है। अच्छा भोजन हलवा पूड़ी नहीं, मलिदा नहीं, मीठा चरपरा नहीं, सादा और स्वास्थ्यकारी सुपाच्य पवित्र भोजन हमारे लिए अच्छा है, भले वह सूखी रोटी ही क्यों ना हो। हमारे लिए जो भोजन जो बनता है, तो हलवा पूड़ी, मलिदा, मीठा चरपरा, वो सब नहीं है, लड्डू है, ये वो हर रोज़ खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सूखी रोटी भी हमें मिल जाए तो वो भोजन हमारे लिए अच्छा है। अच्छे वस्त्र रेशमी नहीं, भड़कीले नहीं, बहुमूल्य नहीं, सादा और स्वच्छ वस्त्र अच्छा वस्त्र है, भले वह कुछ मोटा ही हो। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छे वस्त्र यानी कि बस सादा और स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। अच्छा सम्मान, भीड़ की जय जयकार नहीं, अखबारों की प्रशंसा नहीं, अच्छा सम्मान दीन दुखियों का आशीर्वाद है, भले उसे कोई सुन ना सके। अब ज़्यादा हमें सम्मान चाहिए तो ऐसे बड़े लोग होते हैं वैसे नहीं, लेकिन हमारा सम्मान ऐसा होना चाहिए कि हमें दीन दुखियों है उसका आशीर्वाद मिले। जो गरीब लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा जीवन धनी का, नेता का, अधिकारी जी का नहीं, जीवन नहीं, सदाचारपूर्ण, सादगीपूर्ण, धर्मयुक्त जीवन अच्छा जीवन है। हमें सादगीपूर्ण रहना चाहिए, सदाचार युक्त रहना चाहिए और धर्मयुक्त जीवन हमारे धर्म अनुसार हमें रहना चाहिए, भले वह मजदूर का जीवन ही क्यों ना हो। तुम्हें जो स्थान मिला है उसे तुम अच्छा स्थान बना सकते हो, हम अच्छा स्थान भी पा सकते हैं। तुम अपने घर को अच्छा घर भी बना सकते हो, तुम अपने रहन सहन को अच्छा बना सकते हो, तुम अपना भोजन अच्छा रख सकते हो। हमें ये सब हमारे ऊपर है, हमें कैसा घर बनाना है, कैसा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तुम अपने वस्त्र अच्छे रख सकते हो, हमें हमारे कपड़े भी अच्छे रह सकते हैं, तुम अच्छा सम्मान भी, हम अपना सम्मान हम खुद पा सकते हैं और तुम अपना जीवन अच्छा बना सकते हो। ऐसे हम भी हमारा जीवन अच्छा बनाएंगे।